नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। जी हां, अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। ये तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्वर्ण मंदिर की, जहां पर 62 विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 3 दिन हुए हैं मात्र उन्हें पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालते हुए, और उसके बाद लगातार इसी तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कभी रोड शो, कभी इस तरह के कार्यक्रम, जहां पर आज सुबह सुबह ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर के आवास की तस्वीर है, जहां सुबह सुबह 62 विधायक यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। और अब स्वर्ण मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक तरह से पहुंचे तो है मत्था टेकने के लिए, अमन चैन शांति की दुआ मांगने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है, काफी कुछ कह रही है पंजाब की सरकार को, काफी कुछ कह रही है आज की राजनीति को, दिल्ली दरबार को। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, ये जो काफिला है एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का, जो कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो लेकर पहुंचे हुए हैं स्वर्ण मंदिर, कहां तक आगे बढ़ा, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए श्वेता, आज सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया था और कहा था कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है, और हमने देखा कि हवाओं का रुख सचमुच बदल रहा है। एक एक करके 62 विधायक उनके अमृतसर आवास पर पहुंच गए, 3 घंटे तक मंत्रणा हुई, बैठक हुई, बड़ी बातें हुई पार्टी को आगे ले जाने की, और उसके बाद ये सभी लोग एक बस में बैठकर स्वर्ण मंदिर परिसर पहुंचे। और अभी नवजोत सिंह सिद्धू, 62 विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद हैं, यहाँ पर माथा टेक रहे हैं, और इस सब को एक शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कैप्टन खेमे को पहले ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा संख्या में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब कुछ कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर सिर्फ 3 कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं, बाकी ज़्यादातर विधायक, 62 विधायक, बड़ी संख्या अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इस वक्त शीश नवारी है। बिल्कुल मंजीत, जरा स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें भी दिखा दे अगर संभव हो तो। जी श्वेता जी, देखिए देखिए श्वेता, इस वक्त ये स्वर्ण मंदिर परिसर का नजारा है, और इस वक्त सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ प्रसाद बंट रहा है, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, न केवल पंजाब हरियाणा और आसपास के राज्यों से, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी दूसरे दूर दराज के राज्यों से भी यहाँ पर शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं। बहुत बड़ी आस्था है लोगों की स्वर्ण मंदिर परिसर में। आप हुजूम देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर उमड़ा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू उनके समर्थक तो है ही, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। और आप कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से लोग प्रसाद के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, 4 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, देर शाम तक जारी रहता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु इस भीषण गर्मी में भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पंजाब का ये सबसे बड़ा सिख धार्मिक स्थल है, होली सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। यहाँ के आसपास बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, न केवल सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले, बाकी दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाले धार्मिक स्थल भी हैं। पास ही दुर्गियाना मंदिर है, वो भी इसी तरह का आस्था का एक बड़ा केंद्र है। साथ ही वाल्मीकि ऋषि का मंदिर भी है। नवजोत सिंह सिद्धू, उनके साथ हुए सारे विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री भी बार बार इन सभी धार्मिक स्थलों में जाकर शीश निभाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त भगवान के दरबार में है, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को उनसे मिलना है तो सबसे पहले उनको माफी मांगनी होगी। मंजीत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, ये देखिए, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये 62 विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर है, और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती है। पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही नवजोत सिंह सिद्धू जिस तेवर के साथ सामने आए हैं, वो सीधे तौर पर कैप्टन सरकार को चुनौती दे रहा है, कैप्टन सरकार को संकेत दे रहा है कि दरअसल उनके साथ कितने लोग हैं। आपको बता दें कि अगर हम पंजाब की बात करें तो कुल मिलाकर 80 विधायक वहां पर है टोटल, और वैसे जो दावा